वार्ड 5 से राजू प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी से सभासद प्रत्याशी हेतु आवेदन किया। उन्होंने बताया कि वार्ड 5 की जनता मेरे साथ है और मुझे सभी का समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट रवि कुमार। आपका? राजेश सिंह प्रजापति। अच्छा, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम चुनाव, क्या आप बताना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में? क्षेत्र के बारे में ये है कि अगर यहाँ से हम हो जाते तो थोड़े काम करेंगे। हमारे यहाँ कई बार से बना भी नहीं है कोई पार्षद, इसलिए दिक्कत आती है। अच्छा, ऐसा क्या आपके मन में आया कि आपने चुनाव लड़ने की सोची? गांव वालों की वजह से है, मन में हमारे सब कह रहे हैं लोग क्षेत्र के, क्योंकि हमारा वार्ड जो दूसरे वार्डों में बांट रखा है। किस प्रकार से क्षेत्रवासियों को आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस प्रकार से बताइए? नहीं, हम उनके सामाजिक काम करते हैं, सबकी करते हैं, देखभाल करते हैं, कोई समस्या होती है तो आते हैं हमारे पास, उसे हल करते हैं। किस पार्टी से दावेदार हैं आप? बीजेपी से हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं बहुत समय से। अच्छा, पूर्व कितने समय से बीजेपी में कार्य करते हैं? 25 साल हो गए हम शुरू से बीजेपी। किन समस्याओं को आपने देखा क्षेत्र में? क्षेत्र में से हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा, पार्षद हमारे यहाँ है नहीं कोई, इस समय है तो वो दूर है तो आते नहीं इधर। पार्षद कौन है इस समय, कौन सी पार्टी के? सुदेश हैं, वो सपा के हैं। अच्छा, जब अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हम गांव में काम करेंगे, हमारे रोड खराब है, नाली है, सब खराब है, कभी यहाँ दवाई छिड़कने वाले या कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बच्चों की शिक्षा को लेकर आप? बच्चों की शिक्षा के लिए भी कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। ये जो पूर्व में पार्षद हैं इस समय, तो ये इनकी क्या क्या काम कैसे कर रहे हैं, इनका कैसे काम कर रहे हैं? ये कोई काम नहीं कर रहे हमारे यहाँ, नहीं कर रहे बटा दिए कोई काम। कितने वोट होंगे आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव के, खाली बटावली गांव के 2200 के करीब वोट। ये वार्ड 5 में कौन कौन से गाँव आता है? गाँव प्रेमनगर, आशियाना और मिलक आती है, मऊ आती है, आदि आदि हैं बटे हुए हैं। अपने बात की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही है कि अगर हमें कामयाब करेंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे।